एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी है तो मैंने सोचा मेरे घर पे कान्हा जी नहीं है तो उनको मैं आज अपने घर पर ले आती हूँ। आज बहुत ज़्यादा शुभ दिन है तो मैंने ऊपर से जो कान्हा जी की मूर्तियाँ लग रही थी उसमें से एक पीतल के ही होते हैं ना, जो गोल्डन कलर के होते हैं, वो पसंद कर लिए हैं। अब उनकी जो ड्रेस वगैरह होती है, माला वगैरह होती है, वो पसंद करूँगी। तो चॉइस बहुत सारी थी, सब मन कर रहा था कि सब के सब ले लूँ। ये बात सही है, जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती ना तो उनसे जुड़ी हम सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। बट अब मेरे पास कान्हा जी हो गए हैं तो मेरे को दिखने में आ रहा है कि पता नहीं क्या क्या ड्रेसेस हैं इनकी। तो रात को पहनने के कपड़े अलग हैं, अभी कह रहे थे भैया कि सर्दियों के अलग आ जाएंगे तब आप सर्दियों के भी ले लेना। तो यार मैं तो एक्साइटेड हूँ कि अलग अलग तरीके की एक से बढ़कर एक और सबसे अच्छी ड्रेस मैं लिया करूँगी जब भी मुझे दिखा करेगी, जैसे मैं दिया के देखती हूँ ना वैसे। तो यहाँ पर मैंने उनकी ड्रेस तो चूज़ कर ली थी, अब ड्रेस से मैचिंग जो है उनकी ज्वेलरी, मुकुट, जो भी होता है वो मैं यहाँ पर देख रही थी। इतनी सारी चॉइस थी, मन कर रहा था सब ले लूँ। मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ। और मैंने मजंटा कलर की ड्रेस ली है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ उसके साथ की मैचिंग मुझे ज्वेलरी मिल गई है, ये देखो। तो इसके संग मैंने ये वाली ले ली है और एक गोल्डन कलर की मैंने ड्रेस ली है तो उसमें थोड़ा सा ऑरेंज वर्क था तो मैंने कहा ऑरेंज भी चल जाएगा, बट ये ना थोड़ी मैचिंग ज्वेलरी थी, जैसे मजंटा थी सेम वैसी ही थी ये वाली, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी अलग देखते हैं अच्छी लगेगी। तो अब मैं ड्रेस वगैरह चेंज करती रहूँगी टाइम टू टाइम ना। इनकी एक ये भी थी, ये भी बहुत सुंदर लग रही थी, और बाकी एक ये भी है। अब देखते हैं इनमें से हम कौन सी लेते हैं। वैसे बहुत रीज़नेबल प्राइस पे यहाँ पर लाल कुर्ती में मिल जाती है। जो लाल कुर्ती आते रहते होंगे, जो मेरठ के लोग होंगे, उनको तो पता ही है जो कॉर्नर पर शॉप है ना पिंकी वाले के पास, वहाँ पर से मैं लेती हूँ सारा सामान शुरू से, चाहे नवरात्रि का हो चाहे कैसा भी सामान हो, मैं यहीं से लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर बांसुरी वगैरह देख रही थी, कान के नहीं लिए हैं क्योंकि बाल वगैरह ले लिए हैं तो बालों से कान ढक जाएंगे, वैसे भी ज्वेलरी के उसमें था शायद मेरे ख्याल से ना। तो यहाँ पर थोड़ी सी धूमधाम हो रखी है, आपको थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस आ रखा होगा जन्माष्टमी के ना, बच्चे सज रहे हैं, लोगों के घर में गाने बज रहे हैं तो थोड़ी सी धूमधाम सी हो रखी है, तो इग्नोर कीजिएगा। ये देखो अभी पोपू सा बज रहा है ना, तो ये इसी वजह से बज रहा है। तो मैंने एक ही बांसुरी ली है, दो नहीं ली। मैं मार्केट से आ गई हूँ और मैं आपको एक बात बताऊँ, इस वाले फ़ोन का कैमरा इतना क्लियर लग रहा है ना कि मतलब पूछो ही मत। ये मेरा पुराना वाला फ़ोन है, नया मैंने अभी यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया है, उसमें कुछ भी सिम वगैरह मैंने नहीं डाला, पता नहीं क्यों इतना साफ दिखा रहा है ये। शायद ये चाहता होगा कि मैं चेंज ना करूँ, इसकी जगह किसी और का ना दूँ। तो बहुत क्लियर, मतलब बैक भी अच्छे से दिखा रहा है, फ्रंट भी तो अच्छा दिखा रहा है। तो मैं मार्केट से लेकर आ गई हूँ हमारे कान्हा जी, और ड्रेसेस भी बड़ी सुंदर सुंदर सी लेकर आई हूँ जो कि मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ, फिर अपने जो कान्हा जी हैं उनको मंदिर में विराजमान कर देती हूँ, ठीक है ना। तो मैंने एक छोटा साइज लिया है जिनकी मंदिर में ही पूजा की जाती है, ये देखो, मतलब ये तीन नंबर बता रहे थे भैया, तीन नंबर है ये। तो ये लिया है, इनकी दो दो ड्रेसेस ली है, एक येरी और एक येरी, अच्छे से दिख रही है। ये देखो ये गोल्डन है, इसमें ऑरेंज कलर है, ग्रीन है, ब्लू है, बहुत अच्छी लग रही थी मेरे को। और ये बिल्कुल मजेंटा कलर की है, तो ये मैं आज पहनाऊँगी, थोड़ी फैंसी सी हो जाएगी, आज इनका बर्थडे है ना तो ये वाली पहनाऊँगी। और साथ में एक मिनट दिखाती हूँ मैं, साथ में जो है मैं मैचिंग की बैंगल्स लेकर आई हूँ, ये इनके कड़े होते हैं जो भी है मजंटा कलर के, पिंक, और ये इसके साथ के गोल्डन के संग ये ऑरेंज कलर के, ऐसे आपको दिखेंगे नहीं। और इनके मैचिंग के ये मुकुट वुकुट, मुकुट माला, और ये कान के हैं, हाँ ये कान के हैं, और इनके संग ये ऑरेंज ये ऊपर वाले के संग, अब दिखा अच्छे से फिर से दिखा देती हूँ, ये देखो छोटी छोटी। और बांसुरी एक ही लाई हूँ, ये देखो इसमें पिंक कलर भी है और ऑरेंज कलर भी है, तो बांसुरी मैं एक ही लेकर आ गई हूँ। वैसे भी ड्रेस चेंज करने का थोड़ा सा वो होता है, और बाल भी हैं इनके और गोंद भी है, डिब्बी में करके दे दी भैया ने। तो चलो इनको सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं इनका, और आज
के दिन इनकी मंदिर में स्थापना करते हैं और आज से ही जो है फिर हर साल इनका बर्थडे जन्माष्टमी पे मनाया करेंगे। मुझे याद रहेगा कि मैं इनको अपने घर लेकर आई थी। तो खाने में आज बहुत ही सिंपल सा खाना बनेगा, मैं कोई मटर पनीर वगैरह कुछ नहीं बनाने वाली क्योंकि मम्मी के यहाँ भी खाना बनेगा पक्का और मेरे यहाँ भी बनेगा, तो फिर सेम सेम डिशेज हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ क्या है ना कि फिर इतना सा बनाओ मटर पनीर तो अजीब लगता है, लाने में भी शर्म आती है, तो मैं आलू की सब्जी ही बनाऊंगी। और मेरा आलू और दही दोनों को जैसे व्रत में खाते हैं ना वो खाने के बहुत मन है। मेरा व्रत नहीं है आज, मैं व्रत नहीं रख पाई हूँ, मेरी तबीयत 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो मैं व्रत नहीं रख पाई हूँ। एक दिन मैंने गैप भी किया था वीडियो का, तो मम्मी भी पक्का खाना बनाएंगी आज, मैं भी बनाऊंगी, तो फिर सेम सेम हो जाएगा ना। तो मैं भोग के लिए पंजीरी लेकर आई हूँ और ये दुकान पे जाओ तो कुछ ना कुछ चीज़ें दिखी जाती है, तो ये खस्ता कचौड़ी लेकर आई हूँ दाल वाली ना, ये लेकर आई हूँ। और साथ ही साथ दियो की फेवरेट मिठाई लेकर आई हूँ। लेने तो मैं मिठाई गई थी नारियल वगैरह की, लेकिन इसको फिर यही चाहिए थी, तो मैंने कहा कि देखो भगवान जी को हम इतना सा भोग लगाएंगे, खानी मेरे को और दिया को ही है, तो दिया की फेवरेट ही क्यों ना ले जाए, तो इसकी फेवरेट तो यही है काजू कतली, तो मैं इसके लिए ये मिठाई लेकर आ गई हूँ, है ना दियो आपको पसंद है ना, तो दिया तो यही खाएगी तो यही ले ली। और अभी जैसे ही स्कूटी से उतरे तो भैया जा रहे थे, आम पापड़ ले लिया, गाने बजाते हुए जा रहे थे तो पीछे मुड़ के बाय चांस देख लिया मैंने, वरना निकल जाते। तो आज हम इनको सजाते हैं अपने मंदिर में, जगह देते हैं इनको भी। सुकाना जी को जो है मैंने ड्रेस बना दी है ये मजंटा वाली, और दिया इनको देखते ही आ गई, कहती है मैं उठाऊंगी इनको गोदी में। दिया भी साथ में गई थी जब मैं इनको लेने गई थी ना, तो दोनों माँ बेटी जो है आज कान्हा जी को घर ले आई हैं। मैंने दिया से बोला इनको भैया बोला करना तुम ना, अब ये भैया ही बोला करेगी, तो मैं इनके बाल भी लेकर आई हूँ, बाल लगा देते हैं। वैसे बिना बालों के भी ना मुकुट वगैरह लग के अच्छे लग रहे थे, बट फिर मैंने कहा लाई हूँ तो आज लगा ही देती हूँ। और ये है इनका मुकुट जो मैं लगा दूंगी, और साथ ही साथ जो है गले में पहनने के लिए भी लेकर आई हूँ वो भी लगा दूंगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे पहनाने में क्योंकि फर्स्ट टाइम है मेरा, मैंने अपनी मम्मी के घर पे भी तैयार नहीं किया क्योंकि मेरी शादी के बाद ही जो है मम्मी ने कान्हा जी वगैरह रखे थे तो मैं नहीं कर पाई। नेहा ने भी रखे हुए थे, अब मेरे यहाँ भी हो गए, तो सबके यहाँ हो गए हैं। और ये बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा इनका हार था, तो हार पहनाने के बाद मैं हाथ की मैं पहनने के लिए भी लेकर आई थी इनके कंगन से मोतियों के छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से, वो भी पहना दिए हैं। और दिया बड़ी खुश है, ये देखो आके बार बार मेरे पास खड़ी हो जा रही है ये। और मैंने बांसुरी रखने की कोशिश करी बट बांसुरी रखी नहीं जा रही थी, फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बिना बांसुरी के भी इनको ऐसे ही सजा देती हूँ। तो मेरे कान्हा जी आप लोगों को कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे तो बहुत बहुत सुंदर लग रहे हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों के स्टेटस पे आज कान्हा जी देखे हैं, इतने सुंदर सुंदर ड्रेस पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के लेकर आते हैं, इतने प्यारे प्यारे झूले कई लोगों ने तो मतलब खुद से बनाए हैं, घर में ही झूले तैयार किए हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं भी कोशिश करूँगी, लेकिन इस बार तो मैं बस इनको ही लेकर आ पाई हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी इनका झूला भी लेकर आऊँ, इनका आसन भी लेकर आऊँ, और बहुत सारी चीज़ें अगली बार आपको जन्माष्टमी पे देखने को मिलेगी। फ़िलहाल मैं इनको ले आई हूँ और जय श्री कृष्णा कर दीजिए आप सब लोग। और इनको मैं शाम को भूख लगाऊँगी, जो भी मतलब पंजीरी और माखन वगैरह होता है जो इनको पसंद होता है उससे भूख लगाऊँगी। तो आप लोगों को बताना कैसे लगे मेरे कान्हा जी। हालत देख लो आप लोग मेरी क्या हो रखी है 2 दिन से, मतलब मैं अपने आप को अच्छा फील नहीं कर रही हूँ 2 दिन से, बाकी तो मैं ठीक ठाक ही रहती हूँ, हो जाता है कभी कभी सबके साथ ये दिक्कत है, सुनने में आ रहा है सबको आलस आलस आ रहा है, दिन ही कुछ शायद ऐसे चल रहे होंगे, है ना भाई। और मैंने आलू की सब्जी अपनी बना ली है
तबीयत खराब रहती है, लेकिन मैं त्योहार जो है ना अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ। बना तो मेरी मम्मी भी देती। हाँ कोई आया है तो खुल जाएगा गेट। गेट खोल के नहीं रखते ना, गंदी बात होती है। और ये देखो काका जी आ गए हमारे घर में। ये देखो हमारे घर में साक्षात कान्हा जी भी आ गए हैं, पधार रहे हैं, पधार रहे हैं। आओ आओ आओ, कोई बात नहीं। ये देखो कान्हा जी कैसे दौड़ी लगा रहे हैं घर में। पकड़ो 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 पकड़ो। कान्हा जी आ गए, कान्हा जी आ गए दीदी के पास। दियो कौन है ये? कान्हा जी तिया प्रियांशी। देखो बोलने फोन में लगी हुई है। देखो जी मैं बात ही शुरू कर रही थी अभी सबसे ना। आओ कान्हा जी खुद ही आ गए, कान्हा जी खुद ही आ गए। सो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवा देना। ये देखो कौन आया, देखो 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 देखो, पकड़ो पकड़ो, ऐसे गिर जाएगी, गिर जाएगी। ये देखो मामा की गोदी में चलेगी। मामा इतने छोटे हैं इसके, छोटे छोटे मामा हैं, है ना। मामा तो कुछ छोटे थे अभी। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर देना एक, है ना। कान्हा जी के लिए तो लाइक कर ही देना आज। ये देखो साल भर के कान्हा जी हैं, ये साल भर के, साल भर के कान्हा जी है। बाय कर दो, आशीर्वाद दे दो सबको, दे दो, बाय कर दो, बाय कर दो।